हार के बाद फूट फूट कर रोए खिलाड़ी, बांग्लादेश के खिलाड़ी हुए भावुक, फैंस के भी निकले आंसू। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप का एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। बेहद ही रोमांचक मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश की टीम को 16 ओवर में 151 रन का टारगेट मिला। दरअसल जब बांग्लादेश की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तब 7 ओवर के बाद बारिश आई और इसी के बाद टारगेट को छोटा और ओवर्स को घटा दिया गया। बात करें अगर मुकाबले की तो बांग्लादेश की टीम 151 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी और 6 विकेट के नुकसान पर केवल 145 रन ही बना सकी। भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत मिली और टीम इंडिया का सफर अब सेमीफाइनल के लिए लगभग तय हो चुका है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इस मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेशी फैंस और क्रिकेटर्स जब इस मुकाबले के बाद टीवी पर नजर आए, टीवी स्क्रीन पर जब उन्हें देखा गया तो खिलाड़ी और फैंस भावुक नजर आए। आपको बता दें कि अपनी भावनाओं को क्रिकेटर्स काबू नहीं कर पाए और उनकी आंखें नम नजर आई। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसमें बांग्लादेशी फैंस भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों की आंखों को भी नम देखा जा सकता है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद की बात करें तो हार के बाद वह काफी निराश थे, उनकी आंखें नम नजर आई और उन्हें रोता हुआ भी स्क्रीन पर देखा गया। इसके अलावा मोसादिक हुसैन की बात करें तो वह भी काफी उदास दिखाई दिए। इसके अलावा भारत के खिलाफ मिली हार के बाद खुद कप्तान शाकिब अल हसन ने भी कहा कि हमारी कहानी हमेशा भारत के साथ यही रही है। भारत के खिलाफ जब हम खेलते हैं तो मुकाबले को बिल्कुल रोमांचक मोड़ पर ले आते हैं, लेकिन हम कभी भी फिनिश लाइन के पार नहीं जा पाते हैं और मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहिए। अंत में किसी को जीतना होता है, किसी को हारना होता है। मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश की टीम के लिए अब सेमीफाइनल में पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा भारत के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद सेमीफाइनल का रास्ता पूरी तरीके से तय हो जाएगा। मुकाबले में भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए थे। साथ भारत के लिए केएल राहुल समेत विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारियां खेली थी। टीम इंडिया एक बड़े स्कोर तक पहुंची थी। बांग्लादेश की टीम जब टारगेट का पीछा करने उतरी थी तब लगा कि टीम टारगेट को चेस करेगी, क्योंकि टीम के लिए लिटन दास ने काफी तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ रन बनाने शुरू किए थे, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक बांग्लादेश की टीम विकेट खोती चली गई और मुकाबला भारत के नाम हो गया और मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को हार मिली और इसी के बाद खिलाड़ी और वहां मौजूद बांग्लादेश के फैंस रोते हुए नजर आए। एक छोटी बच्ची को भी उसके पिता की गोद में रोता हुआ देखा गया और सोशल मीडिया पर ये वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि यही सच्चे फैंस हैं जो अपनी टीम को हर मोड़ पर सपोर्ट करते हैं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।